देश में कृषि मॉनसून आधारित रही है। मॉनसून की देरी से ही कृषि उपज प्रभावित होती है। देश के वैसे कई हिस्सों में सिंचाई की समस्या रहती है, जहां पानी की कमी रहती है। सामान्यतः देखा जाए तो भूगर्भ जल, नदी, तालाबों के जलस्तर में भी लगातार कमी हो रही है। इन कारणों से देश के कई हिस्सों में सिंचाई की समस्या गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। किसानों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार की बेटी ने सिंचाई की नई तकनीक विकसित की है। परंपरागत सिंचाई की बदहाल होती व्यवस्था और खेती में समस्याओं का सामना करते किसानों को देख एमटेक की छात्रा प्रियंवदा प्रकाश ने पानी की गोली यानी कि हाइड्रोजेल तैयार करने में सफलता हासिल की है। इसके जरिए पानी की कमी वाले क्षेत्र में आसानी से सिंचाई हो सकेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पानी की गोली, आखिर काम कैसे करती है। 4 किलो हाइड्रोजेल से 1 हेक्टेयर खेत की हो सकती है सिंचाई। जेल की ये गोलियां मिट्टी में 8 माह से 1 साल तक हो सकती है कारगर। इसके प्रयोग से कृषि में 30% तक उत्पादन वृद्धि का भी लगाया जा रहा है अनुमान। यह जेल मिट्टी में वाष्पीकरण, बनावट आदि को भी करती है प्रभावित, साथ ही सूखे से भी बची रहेगी खेती। 35 से 40 सेल्सियस में यह हाइड्रोजेल प्रभावी ढंग से है कारगर। आपको बता दें कि इसके इस्तेमाल से फसल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेलने में कारगर होगी। ये हाइड्रोजेल आसानी से प्रकृति में सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाते हैं और इनसे कोई पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता। यह आसानी से पानी को सोखते हैं और जमीन में पानी का रिसाव करते हैं। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।